जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीटी न्यूज को। आज हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो कंगना रनावत भारत की बेटी, उसके ऊपर शिवसेना अत्याचार कर रही है। ये अत्याचार हिंदू भाई भारत बिल्कुल नहीं सहेगी। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय रावत, संजय रावत, शिवसेना। मुंबई में फिल्म अदाकार कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे घमासान के बाद हिंदू संगठन कंगना रनौत के समर्थन कर रहा है। बुधवार को मुंबई में करणी सेना के बाद यूपी में हिंदू युवा वाहिनी ने कंगना रनौत का समर्थन किया है। एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका। मेरठ के कमेंडरी चौराहे पर इकट्ठा हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से भारत की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र की सरकार रुख अपना रही है, वो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया गया, इससे पूरे देश को धक्का पहुंचा है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि उद्धव सरकार इससे बाज नहीं आती है तो हिंदू युवा वाहिनी देशव्यापी प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। और ये भी कहा कि उद्धव सरकार को कभी भी यूपी में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उद्धव सरकार के साथ साथ शिवसेना के कई नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बुधवार को मुंबई के करणी सेना ने भी उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। ये उद्धव ठाकरे के सरकार में जो कंगना रनौत हमारे देश की बेटी है, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसका ऑफिस तोड़ दिया गया है, उसके साथ उसे चेतावनी दे दिया मुंबई में ना घुसने की, उसके विरोध प्रदर्शन में हमने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका है। और इस पुतला फूंकने के साथ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस कार्रवाई को उसने नहीं रोका तो हिंदू युवा भारत इससे ऊपर के स्तर पर जाएगी और इससे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेगी। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका घुसना बंद कर दिया जाएगा हिंदू वाहिनी भारत के द्वारा। मेरा नाम संदीप हिंदूराज, जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी भारत मेरठ।